फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 5 रुपए में हेयर स्पा। तो आप सोच रहे होंगे कि 5 रुपए में कैसे हेयर स्पा हो सकता है, तो आज मैं बताऊंगी आप 5 रुपए में किस तरह से हेयर स्पा कर सकते हो। और इस हेयर स्पा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसकी कीमत जितनी है उससे ज्यादा इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स हैं। और आप खुद देखेंगे, जब आप इस स्पा को घर में करेंगे तो आप खुद को प्रॉमिस करेंगे कि मंथ में तो एक बार जरूर करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह से हेयर स्पा करना है। अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दे, हाफ अपसाइड और हाफ इधर से। जितने डैमेज बाल हैं उतने थिन लेयर आप लेंगे इस तरह से, जितने ज्यादा डैमेज बाल, क्योंकि हम लोग अपने बालों में हेयर ड्राई और स्ट्रेटनर यूज करके बालों को डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने वैक्सिन को इस तरह से लेकर अपने हाथों में इस तरह से लेकर के इसे मसाज कर लें और इस तरह से इस तरह से हम अपने बालों में, बालों के हर सेक्शन में लगाएं बालों को, छोटे छोटे सेक्शन लेकर के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रब कर लें और अपने सारे बालों में इस तरह से लगाएं। जितना ज़्यादा छोटा सेक्शन होगा उतने अच्छा से बालों में ये लगेगी। इस तरह से मसाज आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको बालों में इस तरह से ये लगाना है। इसको इस तरह से इधर भी छोटे छोटे सेक्शन करके आप बालों में इस तरह से लगाएं। देखिए सारे बालों में आप लगाएं। अगर कोई दूसरा आपकी हेल्प करे तो ज़्यादा बेटर लग पाएगा। आपको नीचे के पोर्शन में ज़्यादा लगाना है क्योंकि नीचे के पोर्शन ज़्यादा डैमेज होता है। इस तरह से आप नीचे के बालों में भी लगाएं, अच्छे से लगाएं, सिर्फ आपको इस तरह से लगाना है क्योंकि नीचे के बाल, और जिनके बालों में स्प्लिटेंस होता है, दोनों में बाल जिनके होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी स्प्लिटेंस को कम करने के लिए। इस तरह से देखिए मैंने दोनों सेक्शंस पे लगा लिए और मैं सारे बालों में आपको लगा के फिर दिखा सेक्शन करके मैं अपने आप अपने बालों में इस तरह से वैसलीन को लगा लिया है। मैंने पूरी डब्बी को लगाया है अच्छे से क्योंकि बाल थोड़े हैवी हैं, तो मैंने पूरी डब्बी को लगा लिया है। उसके बाद मैंने ये टॉवल को थोड़े गुनगुने पानी में गीला करके थोड़ा स्टीम देने के लिए अपने बालों को रखा है। इसको मैं अपने बालों को, या तो आप लंबे हैं तो टॉवल को साथ साथ इस तरह से बांध लें, अगर आपके बाल छोटे हैं तो इस तरह से आप अपने बालों को टाइप करके इस तरह से बांध के गीला टॉवल अपने बालों में रखें और आधा घंटा आपको इस तरह से छोड़ दें। और बाद में नॉर्मल शैम्पू से आप अपने बालों को शैम्पू करें, उसके बाद देखेंगे आपके बाल कितने स्मूथ दिखेंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।